रहा था? क्यों? कहाँ कहाँ गए? क्या क्या किया तुम दोनों ने? क्या बोल रही हो तुम? भाई मैं नहीं, ये तस्वीर बोल रही है। क्यों तुम्हारी बोलती बंद क्यों हो गई? कब की है ये तस्वीर? आइए, कल की ही तस्वीर। अच्छा, मतलब तलाक पेपर सही करने के बाद भी तुम चोरी छिपे मिलते हो। इतना ही करना था तो ये अलग रहने का नाटक क्यों? अरे ऐसी बात नहीं है। अरे जिसने ये फोटो ली है वो मेरा और अर्चना का दोस्त। इत्तेफाक से मैं और अर्चना एक ट्रेन में थे तो उसने एक साथ फोटो खींचने की जिद की। अब मैं क्या बोलता है, सच कैसे बताता उसको? क्यों, जो सच है बताने में डर कैसा? अगर तू अपने नालायक दोस्त को ये बताता था तो ये घर पे फोटो भेजने की हिम्मत ही नहीं करता था, समझा ना? अबू भाई कहाँ वारिस उकले? लगता है जोरों की बारिश आएगी। अब ठंड के मौसम में बारिश कुछ अजीब नहीं लगता है? अरे तुमने आज के न्यूज नहीं देखे? बोल रहे थे मुंबई में साइक्लोन आने के चांसेस है। अबू भाई हो? हाँ। आओ, पर विनोद, मंजुषा, अर्चना सब घर के बाहर हैं। उन लोगों को पता है भी कि नहीं? अरे चिंता मत करो सुलोचना, अभी अभी मंत्रालय से आदेश निकला है, सभी स्कूल कॉलेजेस और ऑफिसेस छोड़ दिए गए हैं। विनोद से मेरी बात हो गई है, वो मंजुषा को लेकर आ रहा है। और अर्चना? उसका भी फोन आया था, वो भी घर के लिए निकल चुकी है। पता नहीं कब आएगी, कहीं फंसी तो नहीं है? आओ विनोद आला। हाँ हाँ आओ बेटे आओ। बाहर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हाँ, बाहर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं आई, बस ट्रैफिक जाम है बहुत। अगो भाई, गाड़ियाँ बहुत धीरे चल रही हैं। साइक्लोन के अनाउंसमेंट है, अर्चु आगे क्या? नहीं ना, उसी की राह देख रही हूँ। तुम चलो अंदर, चलो तुम अंदर चलो। अर्चु कब आएगी? अरे थोड़ा सब्र करो सुलोचना। लेकिन वो कह रही थी ट्रैफिक आएगी, वो जरूर आएगी। बारिश से पहले लो आ गई, 100 साल की उम्र है हमारी बेटी की। हाँ आली गो भाई, कशिश तो? हाँ ही ठीक हूँ। कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं आई, बहुत ट्रैफिक था। अंदर चल। चला तुम्हें। हाँ हाँ। हेलो सर। हाँ सर, मैं पहुंच गई। नहीं सर, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। कौन सा केस सर? मिस्टर राणे का? हाँ सर, आपने कहा था कि उसकी एप्लीकेशंस रिजेक्ट कर दो, लेकिन सर मैंने अभी भी वो केस होल्ड पर रखा है। सर वो क्लाइंट गरीब है, हमारे इंटरेस्ट रेट से वो इंस्टॉलमेंट नहीं भर सकता। लेकिन सर यकीन मानिए, वो बहुत मेहनती है और बहुत ज़रूरतमंद भी है सर। और सर अगर हम ये केस स्पेशल केस के तौर पर ट्रीट करें तो? थैंक यू सर। सर मैं आज रात को ये फाइल बना के कल सुबह आपके टेबल पर रख दूंगी। ओके सर। आई, आखिर सतीश जी मान गए। आई पता है, सतीश जी की खासियत है, वो कभी किसी एक चीज के पीछे पड़े नहीं रहते, वो हालात के मुताबिक अपनी पॉलिसी चेंज करते हैं। शायद यही एक वजह है कि आज वो इतने कामयाब है। अच्छा आई, मैं चेंज कर आती हूँ।
देखा आपने, अपनी अर्जु सतीश के साथ कितना घुल मिल गई है ना। आई मैं तो कहती हूँ अब आप ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, इस रिश्ते के लिए जल्दी से हाँ कह दो। मंजू। हाँ विनोद आई। ये तिमी, अगर अर्चना के रूप में मुझे एक अच्छी हाउसवाइफ मिलती है तो मैं क्यों अड़ा रहूंगा इस नौकरी या एजुकेशन के चक्कर में। ये शादी नहीं हो सकती। सबूत है कि आज मंदिर नहीं गई थी बल्कि ऐसी जगह गई थी जिसका नाम हम शरीफ लोग अपने जबान से भी नहीं ले सकते। सच कहूं ताई तो आपसे माफी मांगने आई हूं। अगर अर्चना और सतीश का रिश्ता एक बार फिर से, मैं अर्चना को उस वक्त भी बहुत पसंद करती थी और आज भी बहुत पसंद करती हूँ। आओ तो टीवी बंद करा। मैं क्या सोच रही थी कि मैं जानता हूँ सुलोचना, तुम अर्चु के रिश्ते के बारे में सोच रही हो ना, मैं भी वही सोच रहा था। लेकिन जब तक हमें फाइनल डिवोर्स सर्टिफिकेट नहीं मिलता तब तक हम किसी भी बात को आगे नहीं बढ़ा सकते। कम से कम 6 महीने तो भी लगेंगे। लेकिन बात पक्की करने में क्या हर्ज है? और सतीश से अच्छा लड़का अर्चना के लिए मिलेगा नहीं। वो तो ठीक है सुलोचना, लेकिन सुबह वर्षा जो कह रही थी वो हो सकता है कि वो सच हो, मानो निर्दोष हो, लेकिन अब मैं अर्चु को उस घर नहीं भेज सकती। उस औरत के साथ अर्चु का रहना मुझे मंजूर नहीं है। उन्होंने अर्चना का इतना अपमान किया है कि मैं तो क्या, दुनिया की कोई भी माँ ऐसी सास के रहते अपनी बेटी को ससुराल कभी नहीं भेजेगी। लेकिन सतीश के यहाँ की बात ही अलग है। सतीश के साथ साथ सतीश की माँ भी अर्चना को पसंद करती है। और अब तो एक बात मैं बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गई हूँ कि सिर्फ लड़का ही नहीं, जिस घर में लड़के के साथ साथ लड़की की माँ भी अगर बहू को पसंद करती है ना, तो फिर उस घर में सुख और चैन रहता है। ठीक है सुलोचना, तुम बात को आगे बढ़ाओ। मैं सतीश की माँ से बात करती हूँ और उसके बाद अर्चु और बाकी सबको बताती हूँ। मैं आज ही सतीश की माँ से मिलूं? आज ही? आओ, अच्छे काम में देरी क्यों? ठीक है। ताई, आइए ना अंदर। आई जी। सतीश? सतीश अपने बाबा के साथ बाजार गया है। आप देख रही हैं बाहर का मौसम कैसा है। मुझे लगा फिर से 26 जुलाई वाली हालत ना हो जाए तो बस दौड़ा दिया मैंने उन दोनों को। अरे आप आइए ना, बैठिए ना, बैठिए। सच कहूं तो मैं आपसे एक जरूरी बात करने आई थी। बोलिए ना ताई। आप हमारे घर आई थी ना सतीश और अर्चना के उन दोनों के रिश्ते की बात को लेकर, तो उस बात को लेकर मैंने और अर्चना के बाबा ने बहुत सोचा और अब हमें लगता है कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में कोई हर्ज नहीं है। ताई, आपने कितनी बड़ी खुशखबरी दी है मुझे। अर्चना से बात हुई आपकी? नहीं, मुझे लगता है कुछ दिन रुकना चाहिए। वैसे मैंने उसकी मर्जी का अंदाज लिया है। जब भी वो सतीश के बारे में बात करती है ना, उसको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि वो इस रिश्ते को लेकर कभी इनकार नहीं करेगी। आपने दिल खुश कर दिया ताई। मैं कब से अर्चना को अपनी बहू बनाने की सोच रही हूँ। ऐसा लगता है कि अब जाके ये सपना पूरा होगा मेरा। इस बात पे तो मुंह मीठा करना चाहिए। मैं अभी आती हूँ। हमारी तरफ से रिश्ता पक्का। हे कसे आले नाहीत अजून बाजारातून कोण जाणे।
ये लो सब्जियां लाई हैं, देख लेना। मेथी छान में डाली है? हाँ। अरे आज का अखबार नहीं है? वहां रखा है ना, इसके नीचे पड़ा है। हेलो हेलो, मैं सतीश बोल रहा हूँ। अर्चना? हाँ, अब मंजू बोल रही हूँ मैं। अच्छू है, मैं अभी उससे फोन देती हूँ, एक मिनट। हाँ, अरे अच्छू, तेरा फोन है, सतीश का है। हेलो। अच्छा अर्चना। हाँ सतीश जी। मैंने अभी अभी तुम्हें एक मेल किया है, तो ऑफिस जाकर के उसको चेक कर लेना, ठीक है? इट्स क्वाइट अर्जेंट। जी सर, मैं चेक कर लूंगी। अच्छा एक और बात, ये बात सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच रहनी चाहिए, इट्स हाईली कॉन्फिडेंशियल। बाकी जो भी डिटेल है वो मैं ऑफिस में तुम्हारे साथ डिस्कस कर लूंगा। आप भरोसा रखिए सर, ये बात हम दोनों के बीच ही रहेगी। ताई, एक बात बताऊं? हाँ ताई, ये सतीश जी मुझे कुछ ठीक नहीं लगते। मतलब? वर्षा एक बात बता, तो सतीश जी के बारे में ऐसा क्यों सोचती है? कुछ दिन पहले भी तो सतीश जी के बारे में यही सब कह रही थी। उन्होंने क्या बिगाड़ा है हमारा? मतलब उल्टा उन्होंने तो हमेशा हमारी मदद ही की है। अरे कुछ मदद वदत नहीं ताई, बल्कि उनकी वजह से तो हमारा नुकसान ही नुकसान हुआ है बस। और स्पेशली तुम्हारा ताई, तुम्हारे और जीजू के बीच में जो भी दूरियां हैं, जो भी गलत फहमियां हैं, वो सब उनकी वजह से। वर्षु, मेरे साथ जो भी हुआ ना, ये मेरी किस्मत है। तू सतीश जी पे क्यों दोष लगा रही है? अब क्या, क्यों, कैसे, इन सब सवालों के जवाब नहीं है मेरे पास। देख ताई, बस तू इतना समझ ले, सतीश जी के इरादे कुछ ठीक नहीं है। बड़े धीट है, मैं इतना कुछ सुना कर आई, फिर भी उनके बर्ताव में कुछ बदलाव ही नहीं आ रहा है। तूने क्या कहा? वो ताई, तू जिस दिन कोर्ट गई थी ना, मैं उस दिन तेरे ऑफिस गई थी, और जिस दिन जीजू के गैरेज का ओपनिंग था, उस दिन भी मैं तेरे ऑफिस गई थी। वो एक्चुअली मैं तुझे मिलने नहीं गई थी, सतीश जी से मिलने गई थी, और उन्हें ये समझाने के लिए गई थी कि वो तुम दोनों के बीच में से हट जाए। अरे तुम्हारे लिए जो भी ओवर केयरिंग नेचर है ना, वो अपने पास ही रखे, उसे बदल दे। लेकिन कैसा इंसान है वो ताई, इतना सब कुछ समझाने के बावजूद वो बदलने का नाम ही नहीं ले रहे। मैंने सब कुछ सोच समझ कर ही किया है। खाक सोचा है तूने? अगर तू सोचती ना, तो तू ऐसी गलती कभी नहीं करती। सतीश जी जैसे इतने अच्छे इंसान के साथ तू ऐसे बर्ताव कैसे कर सकती है वर्षु? तू जानती, तूने इतनी बकवास की है ना वहां जाकर, लेकिन आज तक उन्होंने ये बात कभी मुझ पर जाहिर तक नहीं होने दी, और ना ही मेरी तरफ उनके बर्ताव में कोई बदलाव आया। ये उनका बड़प्पन नहीं तो और क्या है वर्षु? अगर उनकी जगह कोई और होता ना, तो वहां मेरा काम करना मुश्किल कर देता। लेकिन सतीश जी ने। ताई तू बात को समझ नहीं रही है। मुझे कुछ समझना भी नहीं है। देख वर्षु, तुझसे गलती हुई है, तुझे सतीश जी से माफी मांगनी होगी। माफी? ताई प्लीज, मैं माफी नहीं मांगूंगी। ओके, तू मेरे कहने पर भी माफी नहीं मांगेगी? सतीश, आज मेरी मुलाकात सुलोचना ताई से हुई। अच्छा? वो लोग अर्चना की शादी फिर से करना चाह रहे हैं, बस किसी अच्छे लड़के की तलाश है। बस वही बात कर रही थी सुलोचना ताई मुझसे।
अब तो अर्चना के डिवोर्स की बात भी काफी आगे बढ़ चुकी है। जल्दी उसे डिवोर्स मिल जाएगा, बस एक अच्छा लड़का मिल जाए तो वो भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाए। क्यों, ठीक कह रही हूँ ना? हाँ, दूसरा अर्चना इतनी अच्छी लड़की है कि कोई भी लड़का उसके साथ शादी करने के लिए खुशी खुशी तैयार हो जाए। ऐसी ऐसी पत्नी किसी नसीब वाले को मिलती है, पर अगर उसकी दूसरी शादी होती है तो उसका तो भला होगा ही, उसके साथ साथ उसके पति का भी भला होगा। उसके घर वाले जो सोच रहे हैं ना, वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। वैसे तुझे कोई तकलीफ नहीं है ना? मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? मतलब, अरे वो तेरे ऑफिस में काम करती है इसीलिए। आई, आज की डेट में कितनी लड़कियां हैं जो कि शादी के बाद भी अपनी जॉब को कंटिन्यू करती हैं? और अर्चना के बारे में मैं कह सकता हूँ कि वो एक ही समय में अपने घर और अपने ऑफिस दोनों को बखूबी संभालेगी। अच्छा आई, अभी तुम नाश्ता तैयार करो, ठीक है? मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। और हाँ, थोड़ा सा जल्दी करना, मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ। सतीश, अर्चना अच्छी लड़की है ना? हाँ आई, शी इज अ वेरी नाइस गर्ल। जो भी लड़का उसे शादी करेगा ना, बहुत ही खुश रहेगा उसके साथ। बस यही तो सुनना चाहती थी मैं तेरे मुंह से। अब तो इस रिश्ते के लिए तेरी भी रजामंदी है और अर्चना की भी। बस ये डिवोर्स का मामला जल्दी से सुलझ जाए तो मैं इस रिश्ते की बात को आगे जल्दी से बढ़ाऊं। मानव, किस मुसीबत में डाल रहा है तू? मुझे नहीं सब पहना ये। अरे नहीं नहीं, कैसे नहीं पहनोगे? अपने सचिन की सगाई है और अब दूल्हे के बाबा खास तौर पे आपके लिए बनवाए हैं। मानव, कौन साहब हमारे घर में आए? तू अब मुझे पहचानने से भी इनकार कर रही है? कमाल है। कस ओळखणार? का बुजगावण दिसत, बुजगावण। सच कहूं, ये सूट है ना, आपको बिल्कुल सूट नहीं करता। कौवा चले हंस की चाल। प्लीज, अरे तू इन्हें सूट पहना या शेरवानी कुर्ता पहना, ये संतरी मौसमी पी के कतर में गिरने वाले ना। मेरा बेटा मेरे लिए कुछ कर रहा है तो तेरे पेट में क्यों दुख रहा है? मेरे पेट में क्यों दुखेगा? तुम सूट पहनो या तो शेरवानी कुर्ता पहनो मेरी बला से। मानव, मैंने सबको न्योता दिया अपनी तरफ से, लक्ष्मी को भी, और अब मैं अर्चना को बुलाने भी जा रहा हूँ। 10 बार मैंने बोला है अर्चना इस घर में नहीं आएगी। क्यों? वो नालायक की वजह से मेरी इज्जत का कबाड़ा कितनी बार किया है तूने? मैं चुप बैठी, कह रही कि पूजा थी, अचानक आ गई, मैं कुछ बोली नहीं। अब मैं चुप नहीं बैठने वाली, अगर तुमने उसे इस घर में बुलाया फिर देखना। अरे जा, तुझे जो करना है कर ले। अर्चना इस घर में आएगी, मेरे बेटे की सगाई में जरूर आएगी, मैं खुद जाके उसे न्योता दूंगा। बाबा, अर्चना घर पे नहीं आई। क्या? अर्चना नहीं आएगी बाबा। क्या बोल रहा है तू? आपको मेरी कसम है, आप नहीं जाएंगे उसके घर उसको बुलाने के लिए? ये है मेरा बेटा। ये तूने क्या किया मानो? तूने मुझे अपनी कसम में बांध दिया? तू जानता है मानो, मैं तेरी कसम नहीं तोड़ सकता। तूने अच्छा नहीं किया, ऐसा करके तू खुद पर भी अन्याय कर रहे हैं और अपनी बहू पर भी। अरे बाबा, मुझे अच्छा नहीं लगता, आप बार बार वहां जाते हो और बार बार आपका अपमान होता है। अरे वहां कोई मेरा अपमान नहीं करता, ना कभी किया है मेरा अपमान उन्होंने। दुनिया में सारे लोग एक जैसे नहीं होते मानो। ठीक है, तू नहीं चाहता ना, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा उसमें।